आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम और संवेग की। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, फोर्स क्या होता है, बल क्या है। बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। जैसे इस पर मैंने बल लगाया, इस बोर्ड पर हम क्या कह रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन ये विस्थापित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और या किसी भी चीज को है, जैसे हमने उठाकर इधर खिसका दिया, अलग कर दिया, तो वो क्या है, तो वो भी बल है। यानी इसका मतलब क्या है, बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे बल कह देते हैं। अब बल और गति, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जड़त्व को समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का नियम, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और यही जड़त्व का नियम, यही न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। अगर इसको भी समझ गए तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम समझ गए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तब तक उसकी वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने क्या बताया, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये तो जड़त्व का नियम। इस जड़त्व के इस पर बहुत से उदाहरण बताते हैं। इससे पहले हम एक चीज और बता देते हैं आपको, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम लोग कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे इस पर हम बल लगाते हैं तो क्या करेगा, ये अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं, जब किसी वस्तु में होने वाले, कोई बाह्य बल लगाते हैं और बाह्य बल लगाने पर वो अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। और इसी जड़त्व पर गैलीलियो ने नियम दिया, या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, वो क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। और उन्होंने क्या बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाहर से आप बल नहीं लगा रहे हैं, तब तक वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहेगा। क्लियर है? बहुत से उदाहरण है, देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग चलती हुई बस से उतरने का प्रयास करते हैं तो उसके साथ ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है, या बस अचानक से ब्रेक मार दे तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, या बस अचानक से चल देती है तो हम लोग पीछे की ओर जो है मुड़ जाते हैं। तो ये सभी किसके नियम हैं, ये सभी जड़त्व के नियम हैं, और इसे एक न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम भी कहते हैं। ये प्रथम नियम भी कहलाता है, किसका प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी यही कहला जाता है। इसके बहुत से उदाहरण मैंने आपको चलती गाड़ी पर बताया। गाड़ी में अगर मान लीजिए कोई पत्थर उछालते, चलती हुई गाड़ी में अगर कोई पत्थर उछालते तो हाथी में आता है, ठीक है। ये सभी किसके नियम हैं, ये सभी जड़त्व के नियम हैं ये, और न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी यही है। अगर प्रथम नियम ये हो गया तो द्वितीय नियम पर डिस्कस करते हैं कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर द्वितीय नियम की बात करें, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, यानी अगर न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम में इन्होंने क्या बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उसमें उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल
उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उसमें उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों को यदि एक ही में मिक्सअप कर दें तो एफ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, एक नियतांक लेते हैं के बराबर एम ए, प्रयोगों के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा, तो f बराबर कितना, f बराबर एम ए हो जाएगा। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया, kf बराबर ma, तो ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहलाता है। इसका हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, सवाल भी लगाएंगे इससे, कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो क्या बताया, किसी वस्तु में, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उसकी उसमें उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों को एक में मिला दिया तो वेस्ट एफ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, एक नियतांक लेते हैं, बराबर के एम ए हो जाएगा। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा कि के बराबर 1 होता है और एफ बराबर एम ए हो गया, तो ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम हो गया। अब अगर हम बात करें संवेग, अभी तृतीय नियम की बात करेंगे, उससे पहले हम संवेग को समझा देते हैं। संवेग किसे कहते हैं, यानी मोमेंटम, मोमेंटम क्या कहलाता है, मोमेंटम किसे कहते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग, और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे काहे से डिनोट करते हैं, इसे p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। यानी अगर इसकी परिभाषा बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, p बराबर mv, यहाँ से अगर हम परिभाषा बनाना चाहें, इसकी डिफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, किसे वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उसके वेग के, उसके वेग के गुणनफल को, ये प्रोडक्ट कर दिया गया यहाँ पर, उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका हो गया किलोग्राम और इसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अगर विमा की बात करें कि विमा क्या हो जाएगी, तो इसके लिए क्या लिख देते हैं आप, अगर विमा की बात कर देते हैं, विमा भी पूछी जाती है, विमा की बात करें तो इसके लिए m लिख देंगे, इसके लिए l लिख देंगे, पावर ऊपर जाएगी, एम एल टी माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग संवेग कह देते हैं, यानी बल और द्रव्यमान के गुणनफल को, वेग, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कह देंगे, संवेग कह देंगे। अच्छा, बल और संवेग में अगर हम लोग संबंध निकालें, ठीक है, कि बल और वेग में क्या संबंध है, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि F बराबर ma, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं, किसमें किसमें निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, बल का मतलब F और संवेग का मतलब P, ठीक है। यानी किसमें संबंध निकाल रहे हैं, बल और संवेग में संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले F बराबर एम ए होता है। अब चूंकि ए बराबर क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कह देते हैं, तो F बराबर यहां से क्या हो जाएगा, m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि हम लोगों ने पढ़ा p बराबर mv, तो यहां पर कैसे लिखोगे, डेल्टा p बराबर m डेल्टा v, यानी संवेग में परिवर्तन, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डेल्टा p लिख देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो यहां से क्या लिख देंगे, यहां से लिख देंगे कि डेल्टा पी यानी संवेग में परिवर्तन बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ये संबंध हो गया। क्या निकाल देंगे कि डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, संवेग में परिवर्तन, और इसी को आवेग कहते हैं। आपको ये भी बता दें, इंपल्स, इंपल्स आवेग, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसके तत्क्षण, जो तत्क्षणिक यानी बहुत क्षणिक समय में,
क्षणिक समय पर किसी वस्तु पर क्षणिक समय में लगाए गए बल के गुणनफल को हम लोग क्या कह देते हैं, आवेग कह देते हैं, इसी को इंपल्स कह देते होगा, कह देते। देखा होगा जब खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ते समय अपने हाथ को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है, क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है, क्योंकि उसके क्षणिक समय पर उसे बल लगाकर उस वेग को क्या करना होता है, उसे शून्य करना होता है, ठीक है। तब जाकर उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रक्रिया को इसे हम लोग आवेग कह देते हैं। देखा होगा खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो हाथ ऐसे पीछे कर लेता है, अगर पीछे नहीं करता है तो क्या होता है, उछल जाती है गेंद, क्यों, क्योंकि उसे क्षणिक समय में तो उसे कुछ जो सेकंड लग जाते हैं उतने ही सेकंड के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पीछे करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग आवेग कह देते हैं, इंपल्स कह देते हैं। और अगर आपको संबंध पूछ दिया जाए कि बल और संवेग में क्या संबंध है, तो आप संबंध लिख देंगे और इसी को आप आवेग लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। पहला जड़त्व का नियम कहलाता है, जो दूसरा नियम था वो पहले नियम का ही मैथमेटिकल डिफिनेशन थी उसके, और जो तीसरा नियम है वो किसका नियम कहलाएगा, तीसरा नियम हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। कौन सा लॉ कहलाता है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहलाएगा, इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में, ठीक है, अगर आप बल इधर की ओर लगा रहे हैं तो इधर दिशा में, विपरीत दिशा में वो भी बराबर, अगर ये F और ये F2 कह दें तो F1 बराबर माइनस F2, यानी प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक क्रिया जो है, क्या बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं, कौन सा नियम कहलाता है, थर्ड लॉ कहलाता है, तृतीय नियम कहलाता है। पहला नियम क्या कहलाया था, जड़त्व का नियम, दूसरा नियम उसका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गई, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे तृतीय नियम कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अच्छा ये भी आपको बता दें, इसका एग्जांपल आपको बता दें, बंदूक चलाते होंगे, बंदूक चलाते समय झटका पीछे की ओर लगता है, किधर की ओर लगता है, झटका पीछे की ओर लगता है, क्यों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब आपको एक भी बता दें, ये कतिपय में समझ लीजिएगा कि पहले क्रिया होती है बाद में प्रतिक्रिया होगी, पहले एक्शन होगा बाद में रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों क्रियाएँ साथ ही साथ होती हैं, क्रिया स्टार्ट प्रतिक्रिया भी स्टार्ट, ऐसा नहीं कि पहले क्रिया होगी फिर जा करके प्रतिक्रिया होगी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्रिया भी स्टार्ट और प्रतिक्रिया भी स्टार्ट, ठीक है। इसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया कि उदाहरण क्या है इसका, कि जो खिलाड़ी होते हैं जो आपको बताया कि बंदूक चलाते समय क्या होता है, बंदूक चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो जो है ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहलाता है। चैप्टर फिनिश हो गया, इस पर कुछ आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बताने के साथ ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। देखते हैं, देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। लिखा हुआ है कि 400 मीटर सेकंड की चाल से चलती हुई गोली कितने मीटर के सेकंड की चाल से चल रही है, 400 मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल पर। तो दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकंड से की चाल से चलते हुए एक बंदूक के गोले जो है चलते हुए बालू में धंसकर उसी तरह रह जाती है, उसी में रह जाती है, गोली में थैली के द्रव्यमान क्रमशः 0.25 गोली एवं थैली के द्रव्यमान, एक बालू की थैली थी उसका द्रव्यमान आपको गोली का द्रव्यमान 0.25 किलोग्राम दे रखा है, और जो थैली का द्रव्यमान दे रखा है वो 4.75 किलोग्राम दे रखा है। देखिए एक थैली थी इस तरह से जिसमें बालू भरी पड़ी है,
इसका वेट 7.5 kg है और एक बंदूक आकर गोली आकर गिरती है इसमें और इसमें धस जाती है जिसका वेट 0.257 kg दे रखा है। ये जिस स्पीड से आ रही है इसकी वेलोसिटी 400 मीटर प्रति सेकंड है। इस वेलोसिटी से आ रही है ये 400 मीटर प्रति सेकंड है। तुमसे कह रहा था थैली गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसकी चाल क्या होगी, तो हमसे पूछ रहा है इसकी चाल क्या होगी, पीछे की ओर भागेगी, ठीक है, ऐसे थैली लटकेगी तो क्या करेगी, बंदूक के साथ पीछे की ओर भागेगी। तो कह रहा है इसका इसकी चाल क्या होगी, तो इसमें कौन सा नियम लगा देंगे, इसमें संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे, यानी M1V1 बराबर M2V2। क्या लगा देंगे, M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। तो यानी जो है धसने से पहले का संवेग, तो संवेग कितना हो जाएगा, M1 क्या है, M1 है आपका 0.25 ग्राम, वेलोसिटी कितनी 400। अब जब गोली इसमें धस गए तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसका टोटल वेट ये हो जाएगा ना, 4.75 में कितना जोड़ देंगे 0.25, तो कितने किलोग्राम हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि गोली इसमें धस गई तो गोली का भी तो द्रव्यमान है, तो दोनों के द्रव्यमान को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और वेलोसिटी हमको पता नहीं है थैली की, यही हमें निकालनी है। तो V2 बराबर आ जाएगा 0.25 × 400/5, 0.5 हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 5 आ गया, तो थैली का वेग कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितने मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें किसी पिंड पर 10 सेकंड तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, कितने सेकंड तक, कह रहा 10 सेकंड तक 5 न्यूटन का आप बल लगा रहे हैं, किसी पिंड पर 10 सेकंड तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन, अच्छा अभी आपको बताया था कि डेल्टा पी बराबर क्या होता है, F × Δt, ठीक है, तो F कितना है 5 और ये कितना हो जाएगा 10, कि टोटल कितना हो जाएगा 50, और यूनिट क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी न्यूटन सेकेंड कितनी हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड इसकी न्यूटन और टाइम के सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर, थैंक यू।